अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक के इस मन नेम तो और उसकी रहमतों को शुक्राना अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में आप आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैंने आपसे आज व्यूअर्स दो आइडियाज़ धनिया सेव करने के मतलब वो शेयर करने हैं। पहला आइडिया तो ये है मेरा कि मैंने एक कंटेनर लिया है इस तरह, तो उसमें ये इस तरह, ये देखें, अगर आपके पास टॉवल पेपर हो या टिश्यू पेपर हो, ये देखें मैंने इस तरह तहीं लगा लगा के इस तरह धनिया जो है इसमें सेव कर लिया है। इस तरह थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल किया, फिर इसके ऊपर टिश्यू पेपर, फिर धनिया शामिल किया, फिर इसके ऊपर टिश्यू पेपर, इस तरह करते हुए मैंने ये मुख्तलिफ लेयर्स वगैरह बन गई हैं। और टिश्यू पेपर इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी इजाफी नमी जो है वो टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाए और हमारा धनिया ख़राब ना हो। इस तरीके से यानी हम सिर्फ 8 दिन के लिए ये धनिया जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में, और फ्रीज़र में नहीं बल्कि सेकंड पार्ट जो है फ्रिज का उसमें रखेंगे, और सिर्फ 8 दिन तक ये हमें काम दे सकेगा। ये है जी पहला आइडिया। दूसरा मेरा आइडिया ये है कि मैंने ये दो तरह की कटिंग की है, एक मोटी मोटी कटिंग की है ये पकौड़ों के लिए, और कढ़ाई में जो इस्तेमाल होते हैं धनिया उसमें ये डंडियाँ हैं इसमें, क्योंकि डंडियों में होती है खुशबू, तो शोरबे वाले सालन में ये डंडियाँ बुरी लगती हैं, तो ये शोरबे वाले सालन के लिए मैंने ये बारीक बारीक कटिंग ये कर ली है। तो इसको सेव करने का तरीका क्या है, इसको सेव करने का तरीका ये है कि पंखे की हवा के नीचे इसको कुछ लगवाएंगे हम ठंडी ठंडी हवा तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसकी इजाफी नमी जो है वो उसमें ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसे साय में ही खुश करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका एक तो कलर इसका ख़राब नहीं होगा, और दूसरा जो है इसकी खुशबू में फ़र्क नहीं आएगा। और जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो थोड़ा सा खुश्क धनिया पानी में डाला और मिट्टी इसकी अलग हो जाएगी, और वो धनिया उस तरह बिल्कुल सेम हमें वो फ्रेश धनिया का टेस्ट और कलर जो है वो मैसर आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।